तो हेलो साथियों, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ की भर्ती के बारे में, जो पैट 2022 से भर्ती आई हुई है। और इसी वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, इसकी जो पैट की जो सेफ स्कोर कितना रह सकता है, जो पैट की कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है। और यहाँ पर आपको बता दूँ सभी साथियों से, क्योंकि अभी आपके यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है, सभी अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, क्योंकि 12 जून इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके सिलेबस को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेबस को लेकर भी बात कर रहे थे कि सर सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, और जो एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। और आपको बता दूं जो पैट की कट ऑफ बताई जाएगी, सब कुछ डाटा आपको दिखाकर ही बताई जाएगी, इस वजह से थोड़ी लॉन्ग वीडियो भी हो सकती है। तो वीडियो को पूरी तरीका से और अच्छी तरीका से देखना, उसी के बाद यहाँ पर आप कमेंट वगैरह करना कि आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि साथियों आपको बताएं, जो पैट 2022 में आपकी जो बच्चों की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा हो गई थी पैट 2021 से, लगभग डबल मान सकते हो, क्योंकि आपको बता दूं इसमें अब की बार जो जो 37,58,209 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, इसमें से 25,11,968 बच्चों ने यहाँ पर क्या परीक्षा दी थी, लगभग 12,46,241 बच्चों ने यहाँ पर क्या किया था, परीक्षा छोड़ दी थी। और जो अभी आपको कट ऑफ जो बताई जा रही है, देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो भी टीचर हैं उन्हें लगता है कि कट ऑफ कम बताने से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा वहाँ पर जो कोर्स वगैरह परचेज कर लेगा। और मैं आपको बता दूँ, देखो जो भी बच्चा सोच रहा होगा कि इलेक्शन की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएंगी, कट ऑफ कम चली जाएगी, ज़्यादा बच्चों को बुला लिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दूँ यूपी ट्रिपल एस सी जब पैट 2021 से भर्ती आई थी लेखपाल की, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि पहली बार भर्ती आ रही थी पैट 2021 से, तो बच्चों को लग रहा था कि लगभग 50% पर यहाँ पर बच्चों को मौका मिल जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें 30 गुना बुलाना था, उतने ही बच्चे बुलाए जितनी उनकी कट ऑफ थी वैकेंसी के, 30 गुना। ठीक है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो 73.8.3, ठीक है, अब ये है 73, यानी कि बढ़िया तरीका से देखना, क्योंकि आपको दादू यहाँ पर थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, सब कुछ दिखाने वाले हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जो ट्रिपल सी को लेकर बात कर रहे हैं कि ट्रिपल सी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो गए, ट्रिपल सी नहीं होती उसकी वजह से कम हो जाएगी, सभी पर हम बात करेंगे। अभी थोड़ा हम आपको डाटा दिखा दें, ठीक है, 73.835, ठीक है, अगर इतने नंबर किसी बच्चे के होंगे तो उसकी परसेंटाइल कितनी होगी, यानी कि 98.24%। ठीक है, आप समझदार हो, ठीक है, अब इतनी मतलब इसकी परसेंटाइल बच्चे की बढ़ रही है। अब जो परसेंटाइल बची, यानी कि जो लगभग 1.76, ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो 98.4% से ऊपर कितना बच्चा है, ठीक है, इससे ऊपर जिस बच्चे कितने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। देखो किस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे 25,11,000 भी लगाना, लगभग 12,000 समझ सकते हो, 11,968, ठीक है, इतना बच्चा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आप सोच रहे होगे 2% निकाल रहे होगे 25 लाख, इस प्रकार से 25 लाख पर, ठीक है, मगर ऐसा नहीं करना। देखो 98.24% जो परसेंटाइल है, अब यहाँ पर कितना बच्चा क्या, यानी कि 1.76, ठीक है, तो इसका गुणा करना है, यानी कि और 100 का इसमें भाग दे देना है, ठीक है, तो लगभग इसे भाग देने के बाद आपको बता दूं जो आपके पास संख्या आएगी वो संख्या कितनी आने वाली है, ठीक है, वो संख्या आपकी 44,210 आने वाली है, ठीक है, 44,210 आने वाली है। और जैसा कि आपको पता है, ठीक है, ये 1.76 पर है, न कि 2% पर है, ठीक है, ये 2% पर नहीं है, 1.76 पर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 73.835 पर लगभग जो बच्चे की परसेंटाइल बढ़ रही है 98.24 बढ़ रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो 1.76 पर निकाली, तो बच्चे जो आपके, जैसे कि आपको पता है 1468 पद हैं, ठीक है, और इसका 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो इसमें कितना बच्चा बैठेगा, मतलब टोटल बच्चा कितना हुआ, ठीक है, तो इसमें जो टोटल बच्चा आपका हुआ है वो 44,000, यानी कि 44,000, यानी कि 40 हुआ है, ठीक है। आप खुद समझदार हो कि लगभग 1.76 पर बच्चा आपका ही मिल रहा है, ठीक है, तो 98.24 पर जो जिस बच्चे की परसेंटाइल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीका से सेफ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको दादू जो जो 1468 पद हैं, इसमें 30 का आप 30 गुना हो जाएंगे बच्चे, तो यहाँ पर कितने, मतलब बच्चे टोटल कितना हो गए, 44,040, ठीक है। अब इसमें इतने बच्चे आपको कितने पर मिल रहे हैं, वो 1.76 पर मिल रहे हैं, मतलब 98, ठीक है, 98.24% जिस बच्चे की है वो आपको दादू वो सिक्योर है पूरी तरीका से, ठीक है। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि किसी बच्चे का, अब जैसे 98.24% जितने परसेंटाइल है उसमें, मतलब यहाँ पर जो विभाग आयोग को बच्चे चाहिए 30 गुना, उतने बच्चे यहाँ पर मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो 1.76 पर, न के 2% तो बहुत दूर की बात रही, 1.76 पर ही बच्चों के, यानी कि यहाँ पर जो जो बच्चे मिल जा रहे हैं वो 44,210, ठीक है। तो आप समझदार हो कि कितनी इसकी परसेंटाइल जाने वाली है, ठीक है, कितनी इसकी हाई कट ऑफ जाने वाली है। अब जो बच्चा 98 पर है, ठीक है, जो बच्चा 98 पर, उसके चांस रहेंगे, मैं आपको बता दूं
जो बच्चा 98 जिसकी परसेंटाइल है उसके चांस रहेंगे, मगर इससे ऊपर का जो बच्चा है वो पूरी तरीका सिक्योर है। और 98 की बात करें तो सिक्योर तो खैर ये भी बच्चा रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पर देखो थोड़ा ट्रिपल सी, अभी आप सोच रहे होगा ट्रिपल सी से यानी कि ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा, आप सोच रहे होगा ट्रिपल सी की वजह से बहुत सारे बच्चे होते हैं ट्रिपल सी नहीं है इसकी वजह से कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी, 70 के अंदर भी जा जाएगी, मगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो बच्चा, ठीक है बता रहा हूँ, देखो आपको बता दूं जो बच्चा यानी कि यहाँ पर लगभग ठीक है 74 से ऊपर जो बच्चा है, ठीक है 74 75, वो यहाँ पर पूरी तरीका से तैयार रहे, ठीक है यहाँ पर पूरी तरीका से वो बच्चा यहाँ पर तैयार रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जो जो 74 पर लगभग आपको पूरी तरीका सिक्योर हो जाएगा, 73.835 पर जो बच्चे की परसेंटाइल बढ़ रही है, 98.24 पर जो परसेंटाइल बढ़ रही है, तो यहाँ पर जितने बच्चे होने के हिसाब से 1468 के 30 गुना 44 40 हो रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर यानी कि 98.24 पर लगभग 1.76 का हम परसेंटाइल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 44 है मतलब यानी कि 44+ बच्चे निकल के आ रहे हैं, तो आप समझदार हो कि 90 जो बच्चा यानी कि लगभग 74 से यानी कि 73 से जिसके ऊपर नंबर है ठीक है, तो वो पूरी तरीका से सिक्योर है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर चांस आपको बता दूं किस किस के रह सकते हैं, देखो 78 से जितने भी बच्चे ऊपर हैं यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के चांस बन सकते हैं, मगर इसे 100% नहीं कह सकते ठीक है, 72 वाले बच्चों को हम 100% नहीं कह सकते कि इसका हो ही जाएगा, हालांकि और कैटेगरी होंगी उसकी अलग बात है, मगर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे की हम नहीं कह सकते, मगर जो बच्चा 73 और 74 और 75 वाला बच्चा है ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर ये बच्चे का आपको बता दूं पूरी तरीका से यहाँ पर सिक्योर रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर क्या है 25,11,968 बच्चे बैठे हैं ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पर परसेंटाइल निकालेगी कि यहाँ पर कितना बच्चा यहाँ पर बैठने वाला है ठीक है। और 12th पास है ठीक है, जो सामान्य योग्यता है यहाँ पर कोई देखो आपको बता दूं जिस पर सामान्य योग्यता नहीं होती तो वहां पर क्या होता है थोड़े बच्चे भी कम होते हैं, तो वहां पर परसेंटाइल थोड़ी कम रह सकती है जो पैट की, मगर यहाँ पर क्या प्रत्येक बच्चा फॉर्म भरेगा ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के पास 10+2 है तभी तो वहाँ बच्चे ने, खैर हालांकि 10th के बाद भी, मगर इस प्रत्येक बच्चे के पास ये सारी चीज होती है, ट्रिपल सी को लेकर ज्यादा ट्रिपल सी को लेकर बहुत सारी चीज चल रही है कि ट्रिपल सी की वजह से बहुत कट ऑफ कम जा सकती है, लगभग 70 के अंदर भी जा सकती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको दादू देखो जब इसका वीडियो का पेपर हुआ था उसके बाद 2018 में ठीक है, तो वहां पर क्या था बहुत सारे बच्चों ने ट्रिपल सी कर ली, उसके बाद प्रत्येक बच्चों को लगने का लेखपाल की भर्ती आने वाली, लेखपाल में ट्रिपल सी मांगी जाएगी, तो उसके बाद ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर कर ही ली थी। और देखो आपको दादू जो बच्चा अभी 10+2 से निकल कर आ रहा है उसे इतनी जानकारी नहीं है, जिसने पेट का फॉर्म दिया जिसने पेट का पेपर दिया होगा तो आपको भी पता है कि उसके इतनी परसेंटाइल नहीं होगी, उसके इतने अच्छे नंबर नहीं होंगे ठीक है, जो बच्चा पुराना है कहीं नहीं कि उसके ही मतलब 98 क्रॉस जा रहे हैं ठीक है, 98 जो क्रॉस परसेंटाइल जा रही है, अंततः जो पुराना जो नया बच्चा है वो कहीं नहीं कहीं वहीं पर सिमटा हुआ होगा ठीक है, 80-85 पर ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज समझ गया होगा, मैं आपको बता दूं जो बच्चा 98% जिसकी ऊपर है ठीक है, 98% ऊपर है वो पूरी तरीका से तैयारी करते रहे, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोई लालच वगैरह नहीं दे रहा हूँ ठीक है, कि आप यहाँ पर तैयारी करते रहो आपका 95 पर भी हो जाएगा, 96 पर आप खुद बड़ा मार्क लगा सकते हो ठीक है, कि कितना बच्चा यहाँ पर बैठ रहा है। ट्रिपल सी से थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा तो ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है ठीक है, तो लगभग जो 100% की बात कर रहे हैं तो 98% इनकी ऊपर है, लगभग 2% में जो बच्चे आ रहे हैं वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि यहाँ पर आपका आसानी से हो जाएगा मेंस परीक्षा के लिए ठीक है। और देखो आपको बता दूं यहाँ पर एप्लीकेशन जो आपकी बिगिन स्टार्ट हो गए 23/5/2023 से, और जो 12 जून को यहाँ पर अंतिम तिथि है उसके बाद करेक्शन भी कर सकते हो यानी कि 19 तारीख तक। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे इसके सिलेबस को लेकर ठीक है, देखो सिलेबस को लेकर बच्चे पूछ रहे थे तो आपको दादू यहाँ पर सिलेबस में 100% बदलाव देखने को मिलेगा ठीक है, क्योंकि आपको दादू जो भी भर्ती आ रही है पैट 2021 से, आपने देखा होगा पैट जब से स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भी ये सिलेबस वगैरह चेंज हुआ दिखता है ठीक है, चाहे आपने देखा होगा 15 का ठीक है, और भी भर्ती देख रही हूँ तो यहाँ पर आपको दादू कुछ ना कुछ ऐड किया जा सकता है इसके पैटर्न में ठीक है, मगर हालांकि है कि हिंदी और जो रीजनिंग और जीएस तो आपको देखने को मिलेगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर अभी तैयारी करते रहो और जल्द ही इसके बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, इसका सिलेबस वगैरह देखने को मिल जाएगा ठीक है। एग्जाम के बारे में बात करते देखो, एग्जाम अभी तक जैसे कि आपको दादू जुलाई अगस्त में कोई उम्मीद नहीं रहेगी, अगर इसकी उम्मीद रहेगी तो सितंबर और अक्टूबर में इसकी उम्मीद रह सकती है इसकी एग्जाम को लेकर, क्योंकि अभी पैट 2021 से ही जैसे कि आपको पता है 1262 जो जूनियर असिस्टेंट एक मुख्य सेवक का पेपर बचा हुआ है ठीक है, तो लगभग एक दो लगभग दो ही मेरे हिसाब से दो ही पेपर बचे हुए हैं, तो यहां पर आपको बता दूं इसकी वजह से अभी इसकी कोई भी मतलब जो एग्जाम डेट के बारे में कोई ठोस जो खबर नहीं है, मगर फिर भी आपको बता दूं सितंबर अक्टूबर में जाकर इसका पेपर हो सकता है, मगर सिलेबस में बदलाव 100% होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर सेक्शन ऐड किया जाएगा ठीक है, कुछ भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर समझ गया होगा कितनी परसेंटाइल वाला बच्चा कहीं की सेप है। मैंने आपको बता दिया कि 1.76 पर भी बच्चा यानी पूरा मिल जा रहा है 30 गुना, तो फिर भी मैं आपको बता दूं जो यानी कि 2% में आ रहा है वो पूरी तरीका से सिक्योर है, उसे कोई नहीं रोक सकता मेंस परीक्षा के लिए ठीक है। तो यही सारी चीजें थी और लगभग आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना। और देखो आपको बता दूं, जो ट्रिपल सी को लेकर बातें चल रही है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, हालांकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा मगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद समझदार हो, आप देखना ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की चीजें जब पैर 2021 हुआ था तब भी मतलब इस प्रकार की चीज चली थी कि कट ऑफ कम जाने वाली, कट ऑफ कम जाने वाली, मगर नहीं गई थी ठीक है। यहाँ पर सभी को मौका मिलने वाला इस प्रकार की चीज। इससे क्या होता है, थोड़ा बच्चा वगैरह क्या समझता है कि मेरा, जो बच्चे नए आए हैं ठीक है, जिन्होंने पैर पहली बार दिया, तो वो बच्चे समझते हैं कि मेरा हो जाएगा और तैयारी स्टार्ट कर लेते करने लगते हैं। हालांकि तैयारी में कोई खराब बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड होती हैं, मगर आपको जब मौका नहीं मिलता है बैठने के लिए तब कहीं ना कहीं दुख होता है ठीक है। तो आप समझ गए होगे। और यहाँ पर कोई भी अगर डाउट रह गया हो, 98% से जितने बच्चे ऊपर हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर हैं ठीक है। और उम्मीद रहेगी आपका हो जाएगा लगभग, मैं बता चुका हूँ ठीक है, 73, 74, 75 नंबर वाले। और इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी है उनकी थोड़ी कम जा सकती है, मगर जो मैंने आपको बता दूं जो जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की ये कट ऑफ बताई ठीक है आप, और आपकी भी कहीं ना कहीं जो अदर कैटेगरी उनकी भी कट ऑफ कहीं ना कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि बच्चा प्रत्येक अच्छी तरीके से अब पढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में रखते हैं, वीडियो आपको पसंद आई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद।